अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो संगाड़े उबालने की है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगी, इस तरीके से उबाले गए संगाड़े नहायत आसान और खाने में बेहद लजीज, बिल्कुल बाजार जैसे होंगे। मैं इनमें ब्लैक कलर नहीं इस्तेमाल कर रही, जैसे ही बाज़ार से आए हैं मैंने इन्हें एक बर्तन में डाला है और इनको मैं अच्छी तरह धो लूँगी क्योंकि इसमें होती है बड़ी मिट्टी। इसको मैं अच्छी तरह धोने के बाद एक पतीले में डाल देती हूँ। संगाड़ को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, देखिए इसमें इसका अपना पानी है जो, और साथ में इतना पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ, चौथा हिस्सा ग्लास का। फ्लेम देख लें आप, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी, उस वक्त तक जब तक इसमें स्टीम बनती है, तकरीबन 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद मैं इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट तक इसे दम पे कुक करूंगी। इसको मैं ऊपर से अच्छी तरह कवर कर दूंगी, इसकी स्टीम जो है इसके अंदर ही रहे। जब भी आप संगाड़ा लें तो संगाड़ा अच्छा उबालने के लिए आप पहले संगाड़ा अच्छा ख़रीदेंगे, तो फिर आप संगाड़ा चेक कर सकते हैं। ये बग़ैर उबाले मैंने इसे काटा है, ये अंदर से बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वैसा संगाड़ा है। तो अब मैं 2-3 मिनट तक इंतज़ार करूँगी इसकी स्टीम बन जाए, फिर मैं इसकी फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो कर दूँगी। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर मैं तकरीबन 20 मिनट इसको कुक करूंगी। 20 मिनट में ये कुक हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। 20 मिनट के बाद मैं आप इसे चेक करूंगी, पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये स्टीम के साथ कुक हो रहे हैं। अब मैं इसे एक निकाल के चेक करती हूँ। सगाड़े उबल कर खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने काटा है एक सगाड़ा, इसको निकालना कितना आसान है। ये देखिए बिल्कुल बहुत गर्म मुझे गर्म लग रहा है, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने इस तरह से काटे हैं, ये बिल्कुल अभी ये गर्म है, बहुत आसानी से ये बाहर निकल आते हैं पूरा संगाड़ा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।